अडानी जी और भारत वर्ष, अडानी के हित भारत वर्ष, अडानी एंड इंडिया इज द सेम, जो भारत वर्ष के हित में है, जो भारत वर्ष का आम जनता का हित में है, जो हमारे जनहित में है, वो अडानी जी का हित में। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में खड़ा होकर कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने, इस आरोप बुनियादी है या बेबुनियाद है हमें मालूम नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये तो मोदी जी का पैसा है, ये तो अडानी जी का पैसा नहीं है, ये मोदी जी का पैसा है, ये कंपनी अडानी जी का नहीं है, ये मोदी जी का है, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। जितने सारे आरोप इन्होंने किया, इसमें सच है, सच्चाई है या नहीं है, इसके ऊपर एक निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। जांच की बात आई सर, तो आखिरी सवाल आपसे और आखिरी जवाब जेपीसी, हाँ मैं बस वही पूछ रहा था कि जेपीसी से सरकार क्यों भाग रही है, क्या तकनीकी दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से पूरे देश में सवाल भी रहे और नुकसान भी अडानी का बहुत, पर अगर शांत रहा, चुप रहा, तो हमारे देश की सत्ता चुप रही, प्रधानमंत्री मौन रहे और उस पर कुछ नहीं बोला गया। अभी भी सवाल लगातार है, विपक्ष लगातार प्रश्न उठाता है, जनता जानना चाहती है सच, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं। ऐसे में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है जनज्वार के पाठकों को सही जानकारी दी जाए। हमारे साथ इस वक्त जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं उनका नाम प्रणंजय गुहा ठाकुरता है। वह देश के उन चंद पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अडानी पर सर्वाधिक खोजी रपटे की है। वह देश के इकलौते पत्रकार हैं जिन पर 6 मानहानि के मुकदमे अडानी और अडानी की वकालत और वकीलों ने किया है। ऐसे में उनसे जानना सबसे बेहतर होगा भारत में कि आखिरकार अडानी ने हमारे देश के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, राष्ट्र का कितना नुकसान किया है, राष्ट्र की जनता का कितना नुकसान किया। प्रणंजय जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और हमारा पहला सवाल जनता की तरफ से, जो सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और खुलासा हुआ कि LIC और SBI में का पैसा अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, तो लोगों ने कहा, विपक्ष ने, कि LIC या SBI डूब जाए, लेकिन अभी की हालत यह है कि जस के तस जनता का पैसा बना हुआ है। ऐसे में सही जानकारी क्या है, क्या कोई नुकसान हुआ है या यूं ही सिर्फ बातें? पहले धन्यवाद अजय जी, आपने आपका कार्यक्रम में हमें बुलाया, मेरे को बुलाया आपने, और मैं आपका दर्शक से पहले ही माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरा हिंदी कमजोर है जी। मैं मेरा मातृभाषा बांग्ला है, फिर भी आपने जो सवाल उठाया, देखिए अभी 3.5 महीना के आसपास हो गए, ये हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट 24 जनवरी का दिन, उस समय अडानी घराना का एक पब्लिक शेयर इशू शुरू होने वाले थे, तो शुरू होने के बाद, पैसा मिलने के बाद उन्होंने वापस ले लिया, ये इसके पीछे एक लंबा चौड़ा कहानी है, मगर आपने जो सवाल उठाया पहले में उसमें आता जी। देखिए डूबेगा कोई नहीं, भारतीय जीवन बीमा का संस्था जो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो कभी डूबेंगे नहीं, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया नहीं डूबेंगे, क्यों, ये सरकारी संस्था है, आपका पैसा मेरा पैसा तो है जरूर, मगर ये महत्वपूर्ण है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उनकी इतिहास में पहला बार एक मीडिया रिलीज, एक प्रेस रिलीज इन्होंने किया कि देखिए चिंता कोई विषय नहीं है, या अडानी समूह में LIC का कुछ पैसा हमने निवेश किया लगभग 32,000 करोड़ के आसपास, और कोई चिंता का विषय नहीं, हमारे पास तो लाखों करोड़ अरबों करोड़ का पैसा है, तो ये हम जितने हमारे एसेट्स है, हमारे संपद है, उसके बहुत ही छोटा एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक था। सवाल और कुछ है, ये जो पैसा
भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जो जीवन बीमा संस्था है LIC ने निवेश किया, इसका कोई फायदा मिला? नहीं, परंतु नुकसान हुआ, क्योंकि 23 जनवरी में अडानी समूह का सारे जो कंपनीज हैं उनकी 7 कंपनी है जो पब्लिकली इनका शेयर बाजार में मिलता है, उसका कीमत जो था और आज जहां पे है 3.5 महीना के बाद लगभग आधा। तो जो निवेश किया ये सारे कंपनी में, उनका भी संपत्ति का मूल्य भी आधा हो गया, ये वास्तव है। भारतीय रिजर्व बैंक तो भारतवर्ष के सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल, ये तो सारे बैंकों से सारे सबसे ज्यादा इनके पास संपद है, संसाधन है। तो हाँ, इन्होंने भी बहुत सारे अडानी समुदाय के कंपनियों को पैसा दिया, और वही हालत है कि आप जब निवेश करते हैं, एक दो चीज है, एक तो आप जब ऋण देते हैं, लोन देते हैं, तो लोन जब आपको अगर वापस नहीं आएंगे तब एक समस्या का बात होता है, चिंता का विषय होता है। मगर जब आपका जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड है और भी संस्था है, जब ऐसा संस्था जब निवेश करते हैं और बाजार में ये निवेश और ये जो एसेट्स है, ये जो शेयर्स का जो मूल्य है, ये कम हो जाता है, तो इसका नुकसान ही नहीं के मामले। तो यही है आज के हम जिस स्थिति में है। अब सर, चूंकि आप आर्थिक पत्रकार के साथ साथ पॉलिटिकल जानकार भी, तो इसी को थोड़ा एक्सटेंशन करते हैं कि इसका नुकसान फिर जैसे SBI ने अपनी सफाई दे दी, हमारा सिर्फ 1% था, LIC ने भी कहा एक मामूली हिस्सा था, लेकिन इसका नुकसान तो किसी न किसी रूप में जनता भुगतेगी। एक आपने बताया कि जिन्होंने म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर में इन्वेस्ट किया था वो नुकसान हुआ, उसके अलावा लॉन्ग टर्म इस मुल्क के और बड़ी जनता को भी इस तरह के आर्थिक नुकसानों को भुगतना पड़ता होगा। अजय जी, दो कदम पीछे हटके हम ये जो आज का जो स्थिति है हम देखने चाहते हैं जी। जो पहला बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत वर्ष में बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना पहले भी था, आज भी है। टाटा ग्रुप के नाम आपने सुना, बिरला ग्रुप के नाम भी सुना, अंबानी यानी कि रिलायंस ग्रुप, सबके। और इन सारे जो कॉरपोरेट घराना कुछ दशक लेके बहुत बड़ा बन गया, और कभी कभी इनका जो बाजार में उछाल चढ़ाव होता है, इनका जो शेयर का दाम भी कम हो जाता है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे जितने कॉरपोरेट समूह है, ऐसा एक ही ग्रुप है भारतवर्ष में जो आज इतना तीव्र गति में आगे बढ़ा। तो देखिए, 20 साल पहले गौतम अडानी का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। मुंबई का झवेरी बाजार में हीरा का कारोबार करते थे, उनका परिवार का एक प्लास्टिक्स बनाने का एक कारखाना थे, एक प्रोजेक्ट था, उनका नाम ज्यादा लोग नहीं सुना। और फिर वो भारतवर्ष क्यों, एशिया क्यों, विश्व में सबसे धनी व्यक्ति में 2 नंबर स्तर में 3 नंबर जाके पहुंचे, ये तो सब लोग आश्चर्य हो गए। इससे भी ज्यादा जब लोग आश्चर्य हो गए कि ये पहले हमने कभी नहीं देखा, कि अगर आप एक संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका में है, 10-12 लोग के कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, सार्वजनिक किया, और अचानक कंपनी का शेयर नीचे गिर गया। उनका अपना मतलब है, वो साफ बता दिया कि हम मुनाफा कमाने चाहते हैं, हम शॉर्ट सेलर है, कि हम सट्टेबाजी कर रहे हैं, हम जुआरी है, वो खुद कह रहे हैं, खुद कहा। तो मैं समझता हूं ये सब लोग को आश्चर्य कर। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये टाटा ग्रुप के बात करिए, बिरला ग्रुप के बारे में कहिए, अंबानी यानी कि रिलायंस ग्रुप के बारे में आप बात कीजिए, भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था में बहुत सारे हिस्से में इनका एक बहुत बड़ा भूमिका
कभी कभी इनका एकदम पूरा नियंत्रण है, एकदम मोनोपोली या ओलिगोपोली है, मगर ऐसा कोई कॉरपोरेट घराना नहीं है भारतवर्ष में जिसका आज हस्तक्षेप आप इतनी जगह में, कोयला आयात, कोयला खनन, बिजली उत्पादन कोयला के माध्यम से, सूरज से रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, समुद्र का बंदर, हवाई अड्डा, ये सड़क बनाना, मकान बनाना, हमारे जो डिफेंस सर्विस, हमारे जो मिलिट्री है, जो हमारा स्थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है, इनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट, जैसे आपने ड्रोन्स के बारे में हम कहेंगे, और भी यहां से शुरू करके तेल, फॉर्चून ब्रांड, जो आप खाने बनाते हैं घर पे, आपका जो आप पराठा बनाते हैं, समोसा आप तलते हैं, तो वहां से सेब, जो शहर में जो गैस का वितरण होता है, कि ये पूरा लिस्ट में तो खत्म नहीं किया, और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, चीन में, यूएस में अडानी समूह का कोई ना कोई एक संपर्क है, कारोबारी संपर्क है, इजराइल में भी है। तो इस तरह से फैल गया अडानी ग्रुप, ये कभी और मैं समझता हूं भारतवर्ष पे ऐसा एक और उदाहरण नहीं आप दे पाएंगे कि एक कॉर्पोरेट घराना इतने जगह में थोड़ा पहुंचे। सर और इसको क्लियर करते हैं कि 2014 में राहुल गांधी ने आखिरी हमें आखिरी आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, आप पहले सवाल उठाइए, एक छोटा सा बात मेरा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। मतलब ये कह रहा था कि 2014 में 609 पोजीशन पर थे अडानी, और पिछले 8 साल में दूसरे पहले पोजीशन के आसपास हो गए, अभी हिंडनबर्ग के बाद थोड़ा नीचे गए। तो काफी यह नीचे जो, गए, हाँ, काफी नीचे यह गए। काफी नीचे, तो यह जो जादू है 8 साल में विकास का, जिसके विस्तार की आप बात कर रहे हैं, अब देश यह समझना चाहेगा, हमारा पाठक यह समझना चाहेगा, इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब इतना ज्यादा है तो इससे मुल्क को फायदा होगा भविष्य में या नुकसान होगा? क्योंकि कारपोरेट देखने में तो दिख रहा है कि विकास ही हो रहा है, तो हमारा क्या नुकसान है, आम जनता को ये लगता है। लेकिन आप एक एक्सपर्ट होने के नाते हमें ये बताइए, हमारे पाठकों दर्शकों को, कि इससे मुल्क को क्या नुकसान हो? देखिए, ये सवाल गौतम अडानी जी से पत्रकार लोग ने ये सवाल उठाया था। उन्होंने बोला कि देखिए, राजीव गांधी सरकार जब आए थे, हमारा वाणिज्य में उदारीकरण आया, नरसिंह राव का सरकार में, मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, आर्थिक उदारीकरण के समय में हमारा तो फायदा हुआ। फिर बोला मुंद्रा में जहां पे उनका बंदर है, जमीन मिला, उस समय गुजरात में कांग्रेस सरकार चल रही। आज कह रहे कि देखिए, हम केरल में हमारा बंदर बन रहे हैं, वह सीपीएम का या वाम सरकार है, ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार चल रहे है, बीजू बिहार में सर जनता नया दल प्रोजेक्ट आ गया बिहार। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी है, और आप तमिलनाडु में डीएमके का सरकार है, उनका कहना है। और ये भी नहीं, राजस्थान में जहां कांग्रेस सरकार है, छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सरकार है, तो मतलब उनका कहना है कि जिस बुनियादी ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, हमें सरकार के साथ काम करते हैं और हम सब सरकार के साथ काम करते हैं। ये अडानी जी एक बार नहीं, बहुत बार कहा, मगर ये हमें मानना पड़ेगा कि 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री बना और 2014 में जब भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बना, उसके बाद गौतम अडानी जी का नेतृत्व में उनका जो कॉरपोरेट घराना जिस रफ्तार से आगे बढ़ा,
जैसे मैंने पहले बोला, मैं नहीं समझता कि भारतवर्ष में कोई भी एक कॉरपोरेट घराना या कॉरपोरेट समूह इस रफ्तार से, इस तीव्र गति से आगे बढ़ पाया। ये है पहला बात। दूसरी बात है, देखिए ये सारे, जैसे हमने कहा, ये सरकार, सरकारी जमीन, सरकारी पैसा, आपने LIC का बात किया, स्टेट बैंक का पैसा, तो ये सारे बड़े बड़े, जो सड़क बोलिए, बंदर बोलिए, एयरपोर्ट बोलिए, सी पोर्ट बोलिए, रियल एस्टेट बोलिए, अलग अलग कारखाना, ये पैसा ऋण तो हमारे सरकारी संस्थाएं देते हैं, बैंक देते हैं, अलग अलग वित्तीय संस्था देते हैं, तो ये भी नया कुछ नहीं है। फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि मोदी जी आने के बाद हम देख रहे हैं गौतम अडानी जी का तरक्की कैसा हुआ। मैंने नहीं कहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में खड़ा होकर कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, इस आरोप बुनियादी है या बेबुनियाद है हमें मालूम नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये तो मोदी जी का पैसा है, ये तो अडानी जी का पैसा नहीं है, ये मोदी जी का पैसा है, ये कंपनी अडानी जी का नहीं है, ये मोदी जी का है, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि देखिए 2002 में जब हिंद मुसलमान दंगा हुई थी गुजरात में, हमारे जो अलग अलग जो पूंजीपति थे वो दो भाग हो गए थे, दो हिस्से में हो गए थे। एक हिस्सा कह रहे थे कि ये हमारे कारोबार के लिए बहुत खराब है, हमारा छवि के लिए बहुत खराब है, इसमें राहुल बजाज जैसे व्यक्ति, वो आज हमारे साथ है नहीं। तो फिर उस समय एक नया संस्था बना और जिसका नेतृत्व में गौतम अडानी जी भी थे, वो अकेले नहीं थे, और भी बहुत सारे गुजरात के बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति थे, और उन्होंने एक और संस्था बना और वहीं से गुजरात में जो हम कहते हैं वाइब्रेंट गुजरात। और आप ये भी देखिएगा कि जब हिंडनबर्ग रिसर्च की ये रिपोर्ट आने के बाद, जब गौतम अडानी जी का कंपनियों का शेयर एकदम गिर गया, घट गया, एक चीज वो बार बार कह रहे थे, ये अडानी जी का जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि अडानी जी और भारतवर्ष, अडानी के हित, भारतवर्ष, और उन्होंने इतना भी कहा जलियांवाला बाग का भी बात इन्होंने किया, मैंने, उन्होंने किया, कि ब्रिटिश भारतीय सैनिक को लेके भारतीय भारतीय नागरिक को मारता, इसका इसका मतलब क्या है, इसका माने क्या है, मतलब अगला सवाल जी, अडानी एंड इंडिया इज द सेम, जो भारतवर्ष के हित में है, जो भारतवर्ष का आम जनता का हित में है, जो हमारे जनहित में है, वो अडानी जी का हित में है। ये इस तरह से लोग कहते हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो हम ये बताना चाहेंगे आपके पार्टनर माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं कहा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रणंजय जी की बात सुन रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि एक उद्योगपति, एक पार्टी और एक देश की तरफ बढ़ना ही भारत का हित है। खैर सर, अगला सवाल, सवाल हमारा ये है कि राहुल गांधी या दूसरे नेता बार बार कहते रहे कि 20,000 करोड़ किसका है, जो सेल कंपनियों का है। तो दो बातें, तो ये 20,000 करोड़ की जानकारी असल में क्या है, थोड़ा ये भी बताएं। दूसरा ये है कि सेल कंपनियां क्या सभी अवैध होती हैं या कुछ वैध होती हैं जो कि दूसरे देशों में बनी होती हैं और हमारे देश को कोई फायदा पहुंचाती, इसकी थोड़ी सी तकनीकी जानकारी भी दीजिए जी। देखिए अजय जी, ये सवाल जटिल सवाल है, इसका सरल भाषा में आम जनता के ऊपर ये समझना आसान नहीं है, मगर जो हिंडनबर्ग का रिसर्च का जो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, 32,000 शब्द के है जी। जो भारतीय जो जांच संस्थाएं हैं, जैसे DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और भी ऐसे हैं संस्थाएं, उनका या क्या आरोप है, ये आरोप में दम है या नहीं है ये अलग बात है, कोर्ट क्या कह रहे नहीं कह रहे ये अलग बात है, मगर आरोप क्या है कि जो बिजली उत्पादन के लिए, जो कारखाना बनाने के लिए जो मशीन विदेश से आयात कर रहे हैं, जो कोयला विदेश से आयात कर रहे हैं, इसकी
किस कीमत में आप आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, इसमें गड़बड़। ये आरोप सिर्फ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में नहीं है, डीआरआई का कारण दिखाओ नोटिस में है। तो इसका मतलब क्या है, ये आम आदमी के लिए क्या है और क्या असर पड़ता है? जब एक, ये एक उदाहरण में दे रहा हूं, एक समझ लीजिए, एक आप बिजली का कारखाना बना रहे थे और जो सब जो आपने ये इसकी जो मशीनरी आप विदेश से लाया, इसका आप दिखा रहे खाता में कि 100 रुपया, मगर इसका असली कीमत था 80 या 70 या 75, तो ये बाकी पैसा कहाँ चला गया? और इसका असर क्या आम उपभोक्ता के ऊपर क्या पड़ रहा है, आपके ऊपर क्या पड़ रहा है कि आपको बिजली के ऊपर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है? अच्छा, शेल कंपनी क्या है? देखिए, विश्व में 70-80 ऐसे टैक्स हेवन कहते हैं, छोटे छोटे देश है, द्वीप है, जैसे मॉरिशस, ब्रिटेन के अंदर ही 10-12 है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, साइप्रस ऐसे देश है, एक देश के अंदर के भी ऐसे टैक्स हेवन होते हैं, सिंगापुर भी ऐसा है, हांगकांग भी है, अमेरिका में ऐसा जगह है जहां पे भी, अमेरिका अंदर, यूरोप के अंदर भी ऐसे ऐसे जुरिस्डिक्शन बोलते हैं जहां पे अगर आप कारोबार करेंगे, पहला बात बहुत कम लोग इसका जानकारी है, पारदर्शिता से इन लोग काम नहीं करते, फिर भी टैक्स आपको बहुत कम देना पड़ता है, कभी कभी टैक्स देना ही नहीं पड़ता। तो इस शेल कंपनी का, ये शेल कंपनी क्यों, ये शेल कंपनी जो गैर कानूनी तरह से जो पैसा कमाते हैं, कंपनी एक दो कंपनी को भेज देते हैं, तीन जगह चलते हैं, चौथा जगह चलते हैं, पंचम जगह चलते हैं, और जाके छठा जगह के बाद घूम फिर के वापस आ गए, और ये काला जो पैसा है सफेद कुछ, ये काला पैसा कहां से आया, ये किसका है, ये जो कंपनियां है, ये कंपनी का मालिक कौन है? आप दिखाएंगे कंपनी ए का मालिक है कंपनी बी, और कंपनी बी का मालिक है सी डी ई, और कंपनी सी डी ई का मालिक है एफ जी एच आई, ऐसा करके पूरा आप परिवार का एक पेड़ बनाइए, फैमिली ट्री बनाइए, फिर आपको मालूम पड़ेगा जो हम ये सेबी का जांच है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, असली मालिक कौन है जी, इसके साथ कोई एक परिवार या प्रोमोटर ग्रुप के साथ है? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, गौतम अडानी जी का बड़ा भाई है विनोद अडानी जी, वो विदेश में रहते हैं, वो साइप्रस का नागरिक है, एक समय बोलते हैं हमारे साथ ये अडानी ग्रुप का कोई संपर्क नहीं है, फिर बाद में बोला हाँ कोई संपर्क है। तो ऐसे है कि अगर आपका कंपनी का शेयर आप सबको बेचने के लिए तैयार है, पब्लिक के लिए है, ये पब्लिक है, मगर पब्लिक को तो सब जानते नहीं, आप पुराना वो रोटी का फिल्म का गाना सुनिए, पब्लिक है ये सब जानते हैं, मगर यहाँ पे पब्लिक को मालूम नहीं है, वो सब जानते नहीं है, क्यों, पारदर्शिता से नहीं काम करे। इसमें अभी सवाल आ रहे हैं कि सेबी जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर रहे हैं, इनका जांच इतना समय क्यों लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, एक रिपोर्ट भी आया, उस रिपोर्ट में क्या है हमें मालूम नहीं मालूम, मगर कुछ सालों से सेबी इसका जांच कर रहा है कि सचमुच जिस तरह से पैसा यहां से वहां, वहां से वहां जा रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी, ये भारतवर्ष का जो नियम है, जो कानून है, जो रूल्स है, जो अधिनियम है, ये माना है नहीं, तो ये चल रहा है पता नहीं हमें जी। मैंने तृणमूल कांग्रेस का सांसद महुआ जी बोल रहे कि हम 1.5 साल पहले चिट्ठी लिखा सेबी, आप क्या क्या कर रहे हैं, आप खामोश क्यों है? तो ये बहुत सारे सवाल का जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है। हमने एक रिपोर्ट आज ही पेश किया, वो लिखा है कि जो ऑडिटर है, जो जो कंपनी का अकाउंट्स देखते हैं ऑडिटर, उन्होंने 6 कंपनी में सवाल उठाया, जो अंग्रेजी में हम कहेंगे, ये कहेंगे इसका दे हैव इसके ऊपर सवाल उठाया है, वो क्वालिफाइड देयर अकाउंट्स, क्यों किया? मैं समझता हूँ ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जितने सारे आरोप इन्होंने किया, इसमें सच है, सच्चाई है या नहीं है, इसके ऊपर एक निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। जांच की बात आई सर, तो आखिरी सवाल आपसे और आखिरी जवाब ये जेपीसी
हाँ, मैं बस वही पूछ रहा था कि जेपीसी से सरकार क्यों भाग रही है, क्या तकनीकी दिक्कत है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जेपीसीबी से भी कोई फायदा नहीं, बहुमत में उनके सरकार है, ज्यादा लोग होंगे, तो इसका ठीक ठीक जवाब क्या होगा सर? सर, ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। ये जी सवाल आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कीजिए ना, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की। आप क्यों नहीं कर रहे? आप कहने चाहते हैं लोगों को इसमें हमारा कोई गड़बड़ जी नहीं है, सब ठीक है, सब कानूनी तरह से हो रहा है। तो अगर सचमुच सब ठीक है, तो अगर ऑल इज जेपीसी वेल कराने है, में क्या दिक्कत है? जी दिक्कत है। आप तो कभी कभी अलग अलग तरह का जेपीसी हुआ है, कब जेपीसी अच्छा काम किया आप कह सकते हैं, कुछ अच्छा काम नहीं किया। वो फोर्स के ऊपर भी जेपीसी था, हर्षद मेहता घोटाला के ऊपर भी जेपीसी था, केतन पारेख के ऊपर, कितने सारे जेपीसी हुए हैं। इस बार क्यों नहीं हो रहे? ये सवाल का जवाब हमारा माननीय प्रधानमंत्री के पास है। ये सवाल आप उनसे उठाइए। मैं अकेला पत्रकार हूं, मेरा नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च में, तो वो रिपोर्ट में 32,000 शब्द आपको तो पढ़ना पड़ेगा। 88 सवाल उठाया, 84 सवाल में मेरा नाम है। ये सवाल उठाया हिंडनबर्ग वालों की। गौतम अडानी जी, आप कहते हैं आप अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, दैट यू वेलकम क्रिटिसिज्म, तो एक पत्रकार को आपने गिरफ्तार करने का कोशिश क्यों किया मेरा नाम करना? तो फिर उनका जवाब भी आया कि ये तो अदालत और जज ने जो करना है। उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा कि ये केस है मेरे खिलाफ, जो केस है आज नहीं, 2017 से चल रहे, एक हमारे खिलाफ बिना जमानत के एक वारंट भी इशू वारंट किया गया। गया 2021 में। मैंने हमारे माननीय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुंद्रा में उनका कोर्ट में एक बार नहीं, मैं 3 बार हाजिर हुआ। आरोपी हाजिर है, आरोपी हाजिर हूँ। फिर ये मार्च महीना के बाद, मार्च 2021 के बाद 2 साल हो गया, मगर तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें तो कुछ बुलाया नहीं। ये 2 ही केस है हमारे और मेरा, जो हमारे साथ हम लोग, हमारा सहलेखक, न्यूज क्लिक पोर्टल, इनके खिलाफ भी अभी मानहानि का केस चल रहा है। 2 केस में बोला आप मुंह बंद है, गैग ऑर्डर है। तो मैं अभी अभी आपके पास जितना सूचना दिया, ये वास्तव है, ये फैक्ट है, मेरा अपना कोई राय नहीं है। मैं माननीय अदालत जितने सारे हैं उनका मैं सम्मान अपमान, आई करता। डोंट वांट टू कमिट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो सच है, जो वास्तव है, जो सत्य है, यही मैं आपको बता रहा हूं। और मैं सत्यमेव जयते है ना, मैंने लिखा हुआ है सर, तो मैं यही पूछता। शुक्रिया शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रणंजय गुहा ठाकुर का। हमने कोशिश की कि अडानी के सच को जाना जाए, और उन्होंने वह तमाम तथ्यजनक बातें कही जो कि उत्तर भारत की हिंदी जनता को जानना चाहिए, जो इस सरकार को चलाने में सबसे बड़ी भागीदारी निभा रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि देश का क्या नुकसान हुआ है। जाहिर तौर पर प्रणंजय एक पत्रकार हैं और खोजी पत्रकार हैं, उन्होंने अपना काम किया है। ऐसे में जनता को तय करना है कि जो सच पत्रकार के जरिए सामने आ रहा है उसको वह कितना सोचती है और कितना प्रसारित करती है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देश के संसाधनों की लूट लगातार जारी है, और वाकई हमारा देश एक पार्टी और एक उद्योगपति की तरफ बढ़ रहा है जो खतरनाक है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। जनज्वार, जनता की मीडिया।